हर बप्पा अपने साथ एक मैसेज लेके आता है। अब पता नहीं ये बप्पा हमारे घर क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। गणपति बापा को हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के जैसे ना इधर ही गणपति बापा का डेकोरेशन कर लेंगे बालकनी में। ओके, तो पापा बोल रहे हैं कि ये वाली रूम में ही हम गणपति बापा का डेकोरेशन करेंगे लास्ट ईयर के जैसे। ठीक है। हाँ, ये रूम कैसे, ये जो हमारी रूम है ना, ये छोटे रूम है, तो ये गणपति बापा यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ पे डेकोरेशन भी अच्छा होगा गणपति बापा का। बाकी हॉल तो हमारा बहुत बड़ा है, तो महालक्ष्मी का डेकोरेशन वहीं पे करेंगे। ठीक है। और कैसे हम अच्छा डेकोरेशन कर पाएंगे ना ऐसी बड़ी जगह में। अभी मैं बताती हूँ क्या डिसाइड हुआ है। मम्मी अभी मार्केट जाने वाली है, जो भी थोड़ी बहुत चीजें लानी है ना मार्केट से, महालक्ष्मियों का सामान वगैरह, वो सब मम्मी लेके आ जाएगी। फिर पापा भी उनके काम पे चले जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी अकेले घर में। मैं ना गणपति पापा का पिछले साल का जितना भी डेकोरेशन का सामान है वो बाहर निकालूंगी, फिर ये जो हमारी रूम है ना इसको अच्छे से साफ सफाई करूंगी, और यहाँ पे ना हल्का फुल्का डेकोरेशन मैं अपने से स्टार्ट कर दूंगी। बाय मम्मी, सब सामान लेके आना, गणपति पापा का डेकोरेशन मैं कर लूंगी, टेंशन मत लेना। अब हम हमारे डेकोरेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है। मैं क्या सोच रही हूँ पता है, ये जो पिंक वाला कपड़ा है ना मैं ऐसे लगा दूँ ऐसे पीछे, और इसके पीछे भी मैं ना लाइटिंग्स लगा दूँ। ठीक है, देखते हैं ऐसे प्लान काम करता है कि नहीं। देखो इस टाइप में कर रही हूँ मैं डेकोरेशन, बताओ तो कैसे लग रहा है। अभी तक सिर्फ आधा ही हुआ है, अभी इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है ना, अच्छा लग रहा है ना, जल्दी से कमेंट्स में बताओ तो। देखो मेरा है ना डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, आप सब लोग कमेंट्स में बताना आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा। ठीक है, मैंने ना लाइटिंग्स लगा दी है, बस है ना एक बार मैं आप सबको दिखाती हूँ कैसे लगता है ये लाइटिंग लगने के बाद में। ठीक है, मैं खुद अपने डेकोरेशन से खुश नहीं थी, क्योंकि पापा के बिना मेरा कोई काम अच्छा नहीं होता। तो ये रहा मेरा डेकोरेशन। आई नो यार इतना अच्छा भी नहीं हुआ है, लेकिन है ना मैंने दिल से गणपति बप्पा के लिए डेकोरेट किया है, तो गणपति बप्पा को तो अच्छा ही लगेगा। आप सब भी बताना आपको कैसा लगा है। ठीक है, मुझे ना और थोड़े से लाइटिंग्स इसमें ऐड करने हैं, अभी तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत से किया है यार मैंने, पता है इसको करने के लिए मुझे 2 घंटे लगे हैं। बस झाड़ू मार रही हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं मुझे और क्या काम है, क्योंकि है ना आज ही सारे काम करने हैं, कल सिर्फ गणपति बप्पा को लेके आना है घर पर एकदम धूमधाम से। सो डन हो गया है मेरा सारा काम। अभी है ना मम्मी थोड़ी देर में मार्केट से आती ही होगी, फिर मार्केट से आने के बाद में ना मैं आप सबको बताऊंगी कि मम्मी क्या क्या सामान लेके आई है, एकदम सब कुछ, जो जो चीजें लाई है ना सब कुछ बताऊंगी, आप बस वेट करना। जिसने भी लाइक नहीं किया है तो पहले एक लाइक कर दो यार प्लीज, आपके एक लाइक से है ना मेरा दिल खुश हो जाता है, तो प्लीज लाइक किया करो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपने मम्मी पापा से लाइक करवाओ, पर लाइक करवाओ। हे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, हाय पापा। चलो मैंने जो डेकोरेशन किया है वो दिखाना है आपको, सबसे पहले वो देखो आप, ये देखो कैसा डेकोरेशन किया है बताओ। जुगाड़ जुगाड़ कर दिया सब। अच्छा लग रहा है ना फिर। और इसको मैं ठीक कर दूंगा। कब? कल। कल कर दूंगा इसको ठीक। ठीक है चलेगा। हाँ। बहुत मेहनत लगी है, पता है पापा 2 घंटे लगे ये डेकोरेशन करने में। अरे बहुत सिंपल था, इतना तूने तामझाम नहीं करने की जरूरत नहीं थी, बहुत सिंपल था, कर सकते थे उसका। देख यहाँ पे ना एक रस्सी बांधना था। हाँ। वहां से लेके ना यहाँ तक ऐसे इधर तक रस्सी बांधने की, और उसके ऊपर ऐसे खड़े कर, ये जो पर्दे लगाए ना। हाँ। इसको खड़े पर्दे लगाने चाहिए थे। अरे इतना दिमाग नहीं लगाया मैंने। हाँ तो अभी कैसे वो अगर हवा से आए ना तो वो निकल सकता। चलो ठीक है, अपन उसको करेंगे ठीक करेंगे। ठीक है चलेगा, कल हम इसको ठीक करेंगे। और मैं डेकोरेशन
आर्टिस्ट के पास मेकअप करने के लिए, फिर वहाँ से जाएगी गणपति पप्पा को लेने। चलो तो अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं मेकअप कराने के लिए। तो अभी है ना 10 बज रहे हैं, हम लोग है ना जल्दी जल्दी मेकअप करेंगे। यार जल्दी जल्दी बोला ना, फिर भी 2 घंटे तो लगते ही है कोई भी मेकअप के लिए। तो फिर उसके बाद में हम जाएंगे गणपति पप्पा को लाने के लिए। यार पता नहीं अब कौन से वाले गणपति पप्पा हमारे घर आने वाले हैं, कौन हमारा वेट कर रहे होंगे, है कि नहीं मम्मी? तो अभी ना हम लोग आ गए मार्केट में। यहाँ से हम लोग ऑटो से जाएंगे मेकअप स्टूडियो, क्योंकि है ना बड़ी गाड़ी जा नहीं पा रही है, यहाँ पे इतनी भीड़ है मार्केट में। ऑफ कोर्स यार गणपति पप्पा आने वाले हैं तो भीड़ तो होगी ना। चलो अभी चलते हैं, मैंने मास्क वास्क पहन लिया है। तो गाइस देखो हम लोग आ गए तो बेला ब्यूटी पार्लर, यहाँ पे देखो कौन है, मैं हूँ। चलो अभी ऊपर चलते हैं मेकअप कराने के लिए। तू सवेरे सवेरे मोबाइल लेके बैठ गया हा? अब ये दीदी ने इतना सारा ये डेकोरेशन लाया वाला ना, तो ये डेकोरेशन अपने करना पड़ेगा ना। चल अभी अपन है ना डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे, हम हमारे तरीके से डेकोरेशन करेंगे, ठीक है? हाँ शाबाश। देखो यहाँ पे ना दो दो साड़ी है, ये वेलवेट वाली, प्रिंट वाली और ये प्लेन। एक तो हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सी वाली साड़ी पहननी चाहिए। आई थिंक ये वाली मैम, ये प्रिंट वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। आपको कौन सी अच्छी लगी वो बताओ, वही ना? और एक है ये लो। ओके ठीक है, मम्मी के लिए ये वाली सही है, ये वीडियो में भी अच्छी लग रही है मम्मी। कवे ने सब है ना सेलो टेप से, क्या पर ये क्या है, निकल जाएगा ना, ये रहेगा नहीं 10 दिन, इसलिए सब इसको पक्का करेंगे। बच्चे कर रहा तुम्हें हेल्प? हाँ ये सब है ना अपन मस्त डेकोरेशन करेंगे, ठीक है? हाँ देखो गर्ल्स ये येलो वाली साड़ी मेरे लिए कैसी रहेगी, अच्छी लग रही है ना, ये इसका कलर भी बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ठीक है हम ये वाली साड़ी पहनेंगे आज, पहले मेकअप कर लेते हैं। अरे बताते और क्या देखते और एक कौन सा कलर है। देखो ये पिंक कलर भी एकदम बहुत अच्छा है। अब बताओ आप लोग येलो पहनना चाहिए या फिर पिंक, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट्स पे, पिंक पहनना चाहिए। दोनों साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, बट आउटडोर में येलो साड़ी बहुत अच्छी दिखेगी, इसीलिए मैंने येलो साड़ी सिलेक्ट। तो फाइनल अब डिसीजन पता है क्या हुआ है, कि मैं पहले पिंक साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन मैंने डिसीजन चेंज किया और अब मैंने येलो वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी लग रही है और सनलाइट में ये और अट्रैक्टिव लग रही है। देखा लड़कियों का डिसीजन कैसे इधर से उधर बदल जाता है। पापा कैसे ब्रश करती, ये देखो ऐसे करती। अभी अच्छा दिख रहा होगा है ना? हाँ ये देखो, इसको यहाँ पे अभी नीचे और थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, और यहाँ पे ये बढ़िया से ये रखेंगे आसन, और उसके ऊपर गणपति बप्पा बैठाएंगे यहाँ पे सेंटर में। फाइनली लेंस बैठ गई इतना रोने के बाद में लेकिन यार देखो ना लेंस लगाने के बाद में लुक भी तो अच्छा आता है ना। देखो लेंस लग गई, मैं कैसी लग रही हूँ, ये लेंस का शेड मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो ये सेंटर में ना ये गोल्डन वाला लगा लिया ना, तो और अच्छा लग रहा हूँ।
लगाना है, आप सब बताना है मेकअप कैसे हुआ है, और बस फेस का मेकअप बाकी है, जल्दी जल्दी फेस का मेकअप भी हो जाएगा। आई मेकअप को ही टाइम लगता है, फेस का मेकअप तो हो ही जाता है, और साइड बाय साइड हमारी मम्मी का मेकअप भी चल रहा है। ये आ गया हमारे गणपति का आसन। सिंपल डेकोरेशन ही अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा से झगमग कलर नहीं, और एकदम ये एकदम सिंपल सा डेकोरेशन, ये बहुत बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, पसंद आ गया काव्या का, उसकी मम्मी को पसंद आएगा। तो देखो मेरा फाइनल मेकअप हो गया, बस मस्कारा लगाना बाकी। आप सब लोग बताओ आपको मेकअप कैसे लगा, अच्छी लग रही हो ना, कुछ हमने नया ट्राई किया है मेरे मेकअप में, ये देखो मेकअप अच्छा हुआ है ना, जल्दी से कमेंट्स में बताओ ठीक है। जो मैंने डेकोरेशन किया ना, तो भी काव्या को आने के बाद मुझे सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि उसने कुछ अलग डेकोरेशन किया था और मैंने सारा चेंज करके उसको बदल दिया, तो उसके लिए सरप्राइज ही हो जाएगा ये। अभी जाएंगे, मैं खुद ही जाके है ना गणपति बप्पा चूज कर लूंगा, और जैसे काव्या ये वो सब रेडी होके आएंगे ना, तो उसके बाद में वो गणपति बप्पा को घर लेके आएंगे, उससे पहले ही मैं जाके चूज कर लेता हूँ। तू चल रहा क्या, क्या रुकता घर पे? हाँ तू मालूम मेरे को, तू घर पे ही रुकने वाला है मोबाइल लेके। So, हम लोग है ना यहाँ पे देख रहे कि ये थर्ड वाला जो नेकलेस ज्वेलरी जो भी बोलते हैं ना, ये पहनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बहुत हैवी हो गए ना, आप भी बताओ कमेंट्स में ये पहनना चाहिए। So, अभी हम लोग आ गए गणपति बप्पा लेने के लिए, हम लोग पहले ही है ना गणपति बप्पा सेलेक्ट करके रख लेंगे, तो काव्या को ज्यादा फिर टेंशन नहीं रहेगा। बहुत सारे गणपति यहाँ पे, पर काव्या को कौन सा पसंद आएगा तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं होता है कि जो पप्पा हमें पसंद आए वो ही हमारे घर आ रहे हैं, बल्कि हमारे घर आने के लिए पप्पा ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं, और वो कुछ मैसेज लेके हमारे घर आते हैं। गणपति पप्पा बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये काफी बड़े हैं। सारे गणपति पप्पा देखने के बाद में मुझे ये गणपति पप्पा पसंद आए, बट ये भी पप्पा हमारे घर नहीं आ रहे, तो कौन से पप्पा हमारे घर आएंगे? फाइनली है ना काव्या को है ना ये वाली मूर्ति पसंद आई, मैंने बहुत सारे फोटो भेजा उसको, तो उसको है ना ये वाली पसंद आई, महादेव वाले गणपति बप्पा। जैसे मैंने कहा था ना, हर बप्पा एक मैसेज लेके आते हैं, बट पता नहीं ये बप्पा क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। गणपति पापा हमने चूज कर लिया, और अभी काव्या और उसकी मम्मी आ रही, वो उधर सिटी में गए, वहाँ पे रास्ता भी बंद है क्योंकि फुल ट्रैफिक है वहाँ पे, तो अभी वो ऑटो से आएंगे। तो अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं गणपति पापा को लाने के लिए, और पापा मामा सब कुछ सब लोग है ना वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, हम बस ऑटो से अभी पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। और हाँ, आप सबको तो मैं बताना ही भूल गई, पापा ने ना ऑलरेडी गणपति पापा चूज कर लिए, पर फिर भी मैं वहाँ जाके ना और भी दूसरे गणपति पापा देखूंगी, मुझे पता है कि पापा की चॉइस है ना हमेशा बेस्ट होती है, लेकिन फिर भी हम दूसरे और गणपति पापा देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कौन से वाले गणपति पापा पसंद आए। और हाँ, मेरा और मम्मी का लुक देख के देखते हैं पापा कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी मम्मी भी बहुत खूबसूरत लग रही है हमेशा की तरह। सो हम लोग अभी है ना ग्राउंड पे आ गए, जहाँ पे ना बहुत सारे गणपति
क्यूट क्यूट है। भारी दिख रहा एकदम, दोनों भी एकदम अच्छा लग रहा है। फिल्मी हीरोइन दिख रहे। देखो अभी तुमको कौन सा गणपति पसंद आता, मैंने एक पसंद करके रखा वहाँ पे। पापा ने ऑलरेडी एक पसंद करके रखा है जैसे मैंने आपको पहले बताया ना। अब चलो देखते हैं पहले पापा ने कौन सा गणपति पसंद किया है। मुझे पता है कि पापा की चॉइस बहुत अच्छी है। चलो देखते, चलो देखते कौन से वाले गणपति पापा मुझे पसंद आते हैं और कौन हमारे घर पर चलने वाले। क्या कर, देखो देख कौन से पसंद आ रहे हैं। और अगर समझो देखो पसंद आया तो वो लेंगे, और अगर समझो मैंने जो पसंद करके रखा वो वाला लेंगे। ठीक है देखते हैं, अभी देखते हैं गणपति पापा कौन से वाले हमारे घर पे आने वाले, कौन से वाले वेट कर रहे हैं मेरे लिए। अभी मैं पसंद करती हूँ, मुझे देखने दो कौन से वाले गणपति पापा मेरा वेट कर रहे हैं। कौन से पसंद आ रहे जो ऐसे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पप्पा लगे ना वही लेने। वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं लेकिन देखते हैं मुझे कौन से वाले अच्छे लगेंगे। ये वाले जो गणपति पप्पा है ना ये पसंद आए थे मुझे सबसे पहले। अच्छा, मुझे ना ऐसे गोल फेस वाले चाहिए, मोटू मोटू चाहिए, क्यूट क्यूट। तो मैं बताऊंगा मैंने कौन सा पसंद किया। रेडी है क्या तो मेरा, मैंने जो पसंद किया गणपति पापा को देखने के लिए। हाँ, फिर चलो फिर चल। जो पापा को हमारे घर आना होता है वही आएंगे चाहे हम कितने भी ढूंढ लो। तू ढूंढ के बता बोला तेरे को फोटो भेजा था ना मैंने। हाँ। और वो एक मैसेज के साथ हमारे घर आएंगे। देख ये टाइगर पे बैठे वाले गणपति पापा ये कैसे दिख रहे हैं। ये भी अच्छे है, आपने जो फोटो भेजा था वो इनमें नहीं है। ठीक है आ जा। ये इधर है गणपति पप्पा हमारे वाले। हे गणपति पप्पा अपना चेहरा तो दिखाओ। हमारे पापा क्यूट तो है बट वो बहुत पावरफुल मैसेज लेके हमारे घर चल रहे हैं। बहुत अच्छे चिको के जैसे दिख रहे हैं ना। चिको के जैसे लग रहे हैं, सेम इनका फेस है ना, चिको के फेस से मैच कर रहे हैं। कितने क्यूट है। तेरे को कौन सा पसंद आया। ये वाला। तो देखा हमारे गणपति पापा कितने क्यूट है। मैंने आप सबको बोला था ना पापा की चॉइस हमेशा बेस्ट एंड बेस्ट होती है। पापा बता रहे थे कि उन्होंने ना 2 घंटे घूमे ही गणपति पापा चॉइस किया है ना पापा। फाइनल है क्या फिर। हाँ फाइनल है, बहुत क्यूट है। ठीक है हाँ। फिर मंगाने का ढोल। हाँ मंगा लो। गर्ल्स आप भी बताओ हमारे गणपति पापा क्यूट है ना, एकदम हमारी चिकू बेबी की तरह। पापा का चेहरा डॉग बहुत नजर लग रहा है। हाय दीदी, हम फॉलोअर्स हैं आपके। थैंक यू सो मच। चलो बोलो गणपति पापा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। अपने गणपति पापा को घर लेके जाएंगे। चलो सभी कमेंट्स में बोलो गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति पप्पा के लिए ना ढोल भी आ गए, एकदम धूमधाम से हम घर पर लेके जाएंगे पप्पा को। गणपति पप्पा
पापा गणपति पापा कितने क्यूट है, मैं फेस आपको घर जाने के बाद दिखाऊंगी, नहीं तो उनको नजर लग जाएगी ना। कितने क्यूट है ना, पापा की चॉइस हमेशा बेस्ट ही होती है, मुझे लगा ही था कि पापा ने जो गणपति घर पे है ना, मैंने ना डेकोरेशन पूरा चेंज कर दिया। कर दिया आपने डेकोरेशन चेंज? हाँ। चलो अच्छी बात है, डेकोरेशन भी अच्छा किया होगा पापा ने। आपने शूट किया ना वो? हाँ किया ना, शूट किया ना, अभी चलो घर पे चल के देखो। जाके है ना आरती की थाली रेडी कर दे। ठीक है। चलो आ जाओ। ये देखो गणपति पापा, ये रहा हमारा घर। बोलो गणपति पापा। मोरिया। मंगल मूर्ति। मोरिया। गणपति पापा। मोरिया। चलो। मंगल मूर्ति। मोरिया। इस
गणपति बप्पा जनेऊ पहनेंगे। गणपति बप्पा का है ना ये बहुत बड़ा रुद्र रूप है, लेकिन मैं ये सोच रहा कि गणपति बप्पा कौन से हाथ में अभी मोदक लेने वाले, क्योंकि उनका हाथ ऐसे मोदक लेने के लिए है ही नहीं। ये बहुत रुद्र रूप है गणपति बप्पा का। चलो गणपति बप्पा को उनकी फेवरेट चीज देते हैं मोदक। ये लो बप्पा, मैं यहाँ पे रखती हूँ, आप खा लो इसको। ये गणपति बप्पा है ना हमारे घर पे बहुत डेंजरस मैसेज लेके आए वाले, डेंजरस मैसेज। वो है ना मेरी दीदी अभी थोड़ी देर में बताएंगे तुमको। मैं तो समझ गया गणपति बप्पा हमसे क्या बोलना चाह रहे, क्योंकि वो है ना रुद्र रूप लेके आए वाले, और मेरा भी चेहरा गणपति बप्पा से मैच हो रहा। ठीक है गणपति बप्पा की आरती करेंगे। हाँ। चलो सुख करता दुख हरता वाता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा देवाची, सर्वांगी सुंदर उठिते दूराची, यो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन, सबले मात्रे मन कामना मोया मंगल मूर्ति मोया। चलो सब आरती लो। तो हमारी गणपति बप्पा की मूर्ति हमसे क्या कहती है? हमारे गणपति बप्पा चीकू बेबी के जैसे बाल रूप के साथ साथ महादेव का रुद्र रूप भी लेके हमारे घर आए हैं। हमारे पप्पा इस बार हमारे घर मोदक खाने नहीं आए, क्योंकि उन्होंने मोदक के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही नहीं है। उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया है हमें बड़ा आशीर्वाद देने के लिए, और दूसरे हाथ में महादेव का डमरू है, और एक हाथ से हमें ये दिखा रहे हैं कि घर पे आने वाले संकट की गर्दन कैसे पकड़ के रखनी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में लिख दो गणपति बप्पा मोरिया।